हेलो दोस्तों, नमस्कार। सुनीता राघव रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ बचे हुए चावलों से जीरा राइस और झटपट पनीर की सब्जी। तो चलिए शुरू करते हैं। कढ़ाई गर्म हो गई है, अब हम डालेंगे इसमें देसी घी 3 बड़े चम्मच। आप इसकी जगह रिफाइंड ऑयल ले सकते हैं या मक्खन ले सकते हैं। घी को गर्म करेंगे और इसमें हम डालेंगे 1 तेज पत्ता, 1 छोटी चम्मच जीरा, थोड़ी सी काली मिर्च, 1 छोटी इलायची, 1 लौंग और 1 चक्रफूल। इनको हम भून लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे करी पत्ता, साथ में ही डाल देंगे 1 लंबा कटा हुआ प्याज। इसको हम भून लेंगे, हल्का सा ट्रांसपेरेंट हो जाए तब तक हम भूनेंगे। 6 काजू लिए हैं जिनको हम आधा मिनट तक के लिए भूनेंगे। अब हम इसमें डालेंगे चावल। आधी छोटी चम्मच गरम मसाला, आधी छोटी चम्मच चाट मसाला और स्वादानुसार नमक। इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। ये अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। अब हम ऊपर से डालेंगे हरा धनिया और गैस को तेज करेंगे और 1 मिनट तक हम फ्राई करेंगे लगातार चलाते हुए। चावल फ्राई हो गए हैं, गैस को हम बंद करेंगे और अब हम बनाते हैं पनीर की सब्जी। तेल गरम हो गया है, यहाँ हमने 1 चमचा तेल लिया हुआ है, सरसों का तेल लिया है। दोस्तों, सरसों के तेल में ये सब्जी बहुत ही अच्छी बनती है। अब हम डालेंगे आधी छोटी चम्मच जीरा और आधी छोटी चम्मच ही धनिया साबुत। इसको मिक्स करेंगे और भुनने देंगे। जब तक जीरा भुनता है तब तक हम मसाला तैयार कर लेते हैं। प्यूरी में हमने लिया है 1 छोटा प्याज, 2 छोटे टमाटर, 2-3 कलियां लहसुन की और 1 छोटा टुकड़ा अदरक का। इन सबको मिला के हमने प्यूरी बना ली। अब हम इसमें मसाला डालेंगे। मसाले में लिया है हमने 2 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और 1 छोटी चम्मच देगी मिर्च। इन सबको हम मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें मसाला डाल देंगे। मसाले को अच्छी तरह से भूनेंगे जब तक मसाला तेल ना छोड़ दे तब तक। मसाला भुन गया है, हम इसमें डालेंगे 1 हरी मिर्च बड़े टुकड़ों में कटी हुई, साथ में ही डाल देंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी और 2-3 चम्मच हम डालेंगे मलाई फिटी हुई। इसको मिक्स करेंगे और अच्छी तरह से पकाएंगे जब तक मलाई हमारी घी ना छोड़ दे तब तक। मसाला अच्छी तरह से भुन गया है, देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है। अब हम इसमें डालेंगे पीसी हुई काली मिर्च आधी छोटी चम्मच, थोड़ा सा पानी डालेंगे, जितनी गाढ़ी ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से आप पानी ले सकते हैं। इसको थोड़ी देर हम पकाएंगे। अब हम 1 कटोरी पनीर डालेंगे छोटे टुकड़ों में कटा हुआ और स्वाद अनुसार हम इसमें नमक डाल देंगे, थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे और 1 मिनट तक हम इसको धीमी आंच पे ढक के पकाएंगे। चलिए चेक कर लेते हैं, सब्जी बन गई है। गैस को हम बंद करेंगे और आधा छोटी चम्मच हम डालेंगे गरम मसाला, हरा धनिया और थोड़ा सा डालेंगे हम देसी घी। देसी घी दोस्तों जरूर डालिएगा, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब हम इसकी करेंगे प्लेटिंग।
लीजिए तैयार है जीरा राइस और पनीर की सब्जी। दोस्तों अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।